जी, तो वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपके आपके साथ एक मैं दरख्वास्त आपके साथ करूंगा जी। एक वीडियो है जी, मैं यहाँ पर उसके अंदर का आपको पिक्चर दिखा रखा हूँ। सऊदी अरब में हमने एक भेड़ की जान बचाई थी और बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप यकीन करें। बाद में हुआ क्या वो देखने वाला सीन है। आप ये मेरी वीडियो देखें, इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगा। वो वीडियो मेरी जरूर देखिएगा, उसे किसी ना किसी दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ। मैं आपको एक भाई न्यूज़ से अपडेट कर देता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा है ये न्यूज़ पढ़ने के बाद, और मैंने थोड़ी हसरत भी की है कि काश के कहीं हमारा भी ऐसा जगाड़ लग जाए। अच्छा, बहरहाल आपको मैं इस वीडियो से, इस न्यूज़ से अपडेट कर देता हूँ। मैं इस पाकिस्तानी की भाई जो कि किस्मत की देवी बोल रहे हैं, इसके ऊपर मेहरबान हुई है, ऊपर वाला जब भी देता है देता छप्पड़ फाड़ कर, ये बात आज साबित हो चुकी है जी। और मैं जब ये न्यूज़ पढ़ रहा था तो मैं हैरतज़दा भी हो रखा था। कैसे भाई, ये दुबई में काम करने वाला एक राणा, जुनेद राणा नामी एक लड़का है जी, 36 उम्र इसकी बताई जा रखी है, और ये कंपनी में एक जॉब करता था 6000 दरहम के औज। अच्छा, आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि कुछ बंदे मैं देख रहा था वो बोल रहे हैं कि भाई ये मेहनत मजदूरी करता था दुबई में, इसकी भाई 6000 दरहम ये लेता था सैलरी वहाँ पर, किसी कंपनी में जॉब करता था ड्राइविंग की, ठीक है। 6000 दरहम हो या 6000 रियाल हो भाई, कोई भी बंदा सऊदी या दुबई वगैरह में, हम जैसा कि सऊदी अरब में रहते हैं, हमको पता है 6000 रियाल या 6000 दरहम उसी बंदे की भाई सैलरी होती है जिसका कोई काम हो, यानी कि वो अच्छी पोस्ट के ऊपर हो, उसी को इतनी सैलरी दी जाती है। वरना आम 1500-2000-2500 होती है। तो कुछ ड्राइवर अगर हजरात हैं तो उनकी भी 3000-3500 होगी, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना। ये बंदा किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर ही था, 6000 दरहम बहरहाल ये कुछ कम रकम पहले भी नहीं कमा रखा था। बहरहाल इस बंदे ने सोचा कि लॉटरी का सिस्टम चल रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ एक आध। तो बोलता है कि मैंने शाम को लॉटरी ली है, यानी कि सुबह रात को लगने वाली थी तो मैंने शाम को ले लिया, जो या सुबह फर्स्ट टाइम लगने वाली थी तो मैंने शाम को ली है। तो लोग हालांकि पहले भी खरीद लेते हैं, तो सुबह जब मैं सोकर उठाऊं तो वो मेरी लॉटरी वाला नंबर चल चुका था, जैसा कि पाकिस्तान में प्राइज बॉन्ड होता है या और नंबर वगैरह खेले जाते हैं। ये भी लीगल तरीका था, अनलीगल तरीका नहीं है बिल्कुल। तो इस बंदे ने लॉटरी ली और सुबह इसकी वो लॉटरी चल चुकी थी। आपको यहां पर बताता चलो मैं, कितने की चली, 50 मिलियन दरहम की जी, 50,000 या 50 लाख की बात नहीं कर रहा हूं मैं भाई, 50 मिलियन दरहम की बात कर रहा हूं मैं। अगर पाकिस्तानी प्राइस में इसे कन्वर्ट करें तो यहां पर लिखा हुआ जी 2 अरब 37 करोड़ से जायद की रकम बनती है पाकिस्तानी लिहाज से। 2 अरब 37 करोड़ से जायद की रकम बनती है भाई पाकिस्तानी लिहाज से, 2 अरब की बात कर रहा हूं मैं, 37 करोड़ इसके इलादा है, लाखों की बात नहीं हो रही है, 2 अरब 37 करोड़, ठीक है जी। अच्छा, अभी इसको जब पूछा गया कि भाई तू इतने पैसों को क्या करेगा, जाहरी सी बात है इतने पैसों को क्या करेगा तू, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो बोलता है कि कर्जा वगैरह है भाई के ऊपर है, कुछ मेरे ऊपर है, वो उतारेंगे, घर बनाएंगे। पाकिस्तानियों को भाई यही ख्वाहिश होती है, माँ बाप को अगर जिंदा है तो उनको हज करवा देंगे, खुद चले जाएंगे, ये है वो है, शादी हुई है, 2 बच्चे हैं। बहरहाल जो भी सिस्टम है जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है ये न्यूज़ ये वीडियो देखने के बाद। एक चीज़ मैं आपको, जैसा कि वीडियो के पहले शुरू में ही अपडेट कर चुका हूँ कि ये वीडियो हमारी भी यहाँ पर आपको शायद मैं अब नहीं बल्कि मैं कल या परसों वो शेयर कर दूंगा आपके साथ, वो भी ज़रूर देखिएगा।